जय हिंद दोस्तों, राष्ट्र डिफेंस एकेडमी की डेली वीडियो सीरीज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग एक क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। डेली संडे को आपको एक क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन यहां पे मिलेगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो पिछले वीडियोस भी देखें, उनसे भी वे काफ़ी कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन पेपर। सबसे पहला जो पेपर है वो नेवी AASR का एक पेपर है, तो उसको हम लोग देखते हैं, डायरेक्शंस पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। आप कोई भी डिफेंस का एग्जाम देखेंगे जिसमें इंग्लिश आती है तो एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आपसे ज़रूर पूछा जाता है, तो यही पैसेज है, इसको सीखते हैं। लर्निंग इज एन इंडिविजुअल फिनोमिनो बट अ रेगुलर क्लासरूम सीन इज अ ग्रुप लर्निंग प्रोसेस। तो यहाँ पे लर्निंग के ऊपर आपको बताया गया है कि लर्निंग जो है वो एक इंडिविजुअल फिनोमिना है। इंडिविजुअल मतलब उसके अंदर सिंगल पर्सन इन्वॉल्व होता है, और लर्निंग का मतलब होता है सीखना। तो लर्निंग एक इंडिविजुअल फिनोमिना है, उसमें सिंगल स्टूडेंट पार्टिसिपेट करता है। बट अ रेगुलर क्लासरूम सीन इज अ ग्रुप लर्निंग, लेकिन क्लासरूम में स्टूडेंट्स ग्रुप के अंदर सीखते हैं। मोस्ट क्लासेस कैटर टू दैट इंडिविजुअल कॉल्ड द एवरेज पर्सन, और ज़्यादातर जो क्लासेस हैं वो उस इंडिविजुअल स्टूडेंट को एवरेज पर्सन के तौर पे कैटेगराइज करते हैं। कैटर का मतलब होता है टू सप्लाई। आपने कैटरिंग सर्विसेज सुनी होगी, कैटरर्स सुने होंगे, तो वो इसी वर्ड से ओरिजिनेट हुए हैं। तो वो ज़्यादातर क्लासेस जो हैं वो स्टूडेंट्स को एवरेज पर्सन औसत व्यक्ति के तौर पे सप्लाई करते हैं। देयरफॉर इसलिए मोस्ट स्टूडेंट्स आर आइदर बिलो दैट एवरेज और अबो इट। इसलिए स्टूडेंट्स की दो कैटेगरी बन जाती है, कुछ स्टूडेंट्स बिलो एवरेज होते हैं और कुछ स्टूडेंट्स अबो एवरेज होते हैं। फॉर सम द टीचर इज टू स्लो, अदर्स हैव नो आइडिया ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। कुछ के लिए, यहाँ पे ये सम स्टूडेंट्स के लिए आया है कि कुछ विद्यार्थियों के लिए जो शिक्षक हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो हैं। मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जो अबो एवरेज हैं उनको लगता है कि टीचर काफ़ी स्लो हैं, उन्हें नॉलेज नहीं है, पता नहीं वो क्या पढ़ा रहे हैं। अदर्स हैव नो आइडिया ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, जबकि अदर्स यानी कि जो बिलो एवरेज हैं उन्हें तो यही नहीं समझ में आ रहा कि वो क्लास में पढ़ा क्या रहे हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स की दो कैटेगरी होती है। इन दिस प्रोसेस वी आर ऑल्सो जज्ड एज बींग गुड और पुअर स्टूडेंट्स। और इसी प्रोसेस में हमारे सीखने की कैटेगरी से हम दो कैटेगरी में बढ़ते हैं, गुड और बैड, अच्छे और बुरे विद्यार्थी। सम ऑफ अस नेवर मेक इट टू द टॉप हाफ ऑफ द क्लास। हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कभी भी टॉप 5 या टॉप 10 में नहीं पहुँच पाते। वी आर लेबल्ड स्लो और लिटिल डल। और जो विद्यार्थी कभी टॉप 5 और टॉप 10 में नहीं पहुंच पाते उनको मंद बुद्धि के तौर पे देखा जाता है, तो उन पे ये लेबल लग जाता है कि वो मंद बुद्धि हैं। दिस डज हर्ट अ लॉट। हर्ट का मतलब होता है किसी को चोट पहुंचाना। तो जब आप किसी स्टूडेंट को डल बोलते हैं या स्टूपिड बोलते हैं तो ये चीज़ें उन्हें हर्ट करती हैं। एंड समटाइम्स वी टेंड टू कैरी दीज वाउंड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। वाउंड का मतलब होता है घाव, और कई बार विद्यार्थी जीवन भर ये घाव लिए घूमते रहते हैं, वो जीवन भर अपने आप को हीन भावना से देखते हैं, डल स्टूडेंट के तौर पे देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड क्लासरूम लर्निंग, कि लर्निंग में और क्लासरूम लर्निंग में क्या डिफरेंस है। देर इज नो डिफरेंस एट ऑल। तो ये तो बिल्कुल गलत है, डिफरेंस है लर्निंग में और क्लासरूम लर्निंग में। लेटर इज एन इंडिविजुअल। लेटर का मतलब होता है बाद वाला। वाइल द अर्लियर अ ग्रुप प्रोसेस। अर्लियर का मतलब होता है पहले वाला। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि बाद वाला एक इंडिविजुअल प्रोसेस है, तो यहां पर बाद में क्लासरूम की बात हुई है, तो क्लासरूम तो जिसको बोलते हैं कि ग्रुप प्रोसेस है, तो लेटर एक इंडिविजुअल यानी क्लासरूम एक इंडिविजुअल प्रोसेस नहीं हो सकता, तो यहाँ पे बी ऑप्शन भी गलत है। अर्लियर इज एन इंडिविजुअल प्रोसेस। पहले किसकी बात हुई है, लर्निंग की बात हुई है,
तो पहले वाला एक इंडिविजुअल प्रोसेस है, ये बात बिल्कुल ठीक है, वाइल लेटर लेटर बाद वाला यानी कि क्लासरूम लर्निंग एक ग्रुप प्रोसेस है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, नन ऑफ दीज आंसर नहीं होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर टू देखिए। टीचिंग इन मोस्ट ऑफ द क्लासेस फॉर रिलेटिवली बेटर स्टूडेंट्स, रिलेटिवली पुअर स्टूडेंट्स, एवरेज स्टूडेंट्स, नन ऑफ दीज। ये बोलना चाह रहा है कि टीचिंग ज्यादातर क्लासेस में किसके लिए होती है, तो ज्यादातर जो टीचिंग है वो एवरेज स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के की जाती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए। नॉर्मली अबो एवरेज स्टूडेंट्स जज देयर टीचर्स एज, जो अबो एवरेज होते हैं यानी कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं वो अपने टीचर को किस तौर पे जज करते हैं। तो आपने पढ़ा था पैसेज में कि वो अपने टीचर को स्लो समझते हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, वंस वी आर लेबल्ड डल स्टूडेंट्स देन, एक बार हम पे अगर कमजोर विद्यार्थी का लेबल लग जाता है तो फिर क्या होता है। वी स्टॉप टेकिंग एग्जाम सीरियसली, हम परीक्षा को गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो ये नहीं होगा। We tend to carry its after effects for a long time. ये बिल्कुल सही जवाब है कि कई बार अगर हमें कमजोर विद्यार्थी का लेबल स्कूल में मिलता है तो जिंदगी भर हम अपने आप को कमजोर समझते रहते हैं, कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन, द ग्रुप हैविंग नो आइडिया ऑफ वॉट इज हैपनिंग इन द क्लासरूम इज, वो समूह जिसे ये नहीं पता कि क्लास में वाकई में हो क्या रहा है, वो लोग कैसे हैं। नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर जीरो, तो ऐसा तो नहीं है। एक बेटर परसेंट, ये हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो बिल्कुल कमजोर हैं, जिनको चीजें समझ में नहीं आ रही। वेरी हाई नंबर ये नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको समझ में भी आ रहा है, जो अबो एवरेज की कैटेगरी में है। नॉट क्लियर फ्रॉम दी पैसेज, ऐसा नहीं है, क्लियर था कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको चीजें समझ में नहीं आ रही, बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, तो एक 72% उनका भी है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि आपको पैसे समझ में आया है। आगे चलते हैं, चूज वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। देखिए कोई भी एग्जाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है, NDA, CDS, नेवी, एयरफोर्स, SSC, बैंक, तो एक ये पॉपुलर टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लोग इसको नाम देते हैं। तो देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि आपको एक स्टेटमेंट दिया रहेगा और उसको एक वर्ड में आप क्या बोल सकते हैं, उसी को हम लोग वन वर्ड बोलते हैं। तो अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइन्ड, एक ऐसा स्थान जहाँ पे पैसे बनते हैं या बनाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो अक्सर आपने हिंदी में सुना होगा टकसाल, एक ऐसा स्थान जहाँ पे मनी बनता है, तो उसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, मिंट बोलते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन बाकी के ऑप्शंस के मीनिंग भी जानना हमारे लिए जरूरी है, हो सकता है आगे के एग्जाम्स में उनमें से आपसे पूछ लिया जाए। तो प्रेस, एक ऐसा स्थान जहाँ पे न्यूज़पेपर बनते हैं या छपते हैं, प्रिंट होते हैं, आपने सुना होगा। कॉइनेज, कॉइनेज का मतलब होता है किसी नई टर्म को इन्वेंट करना, कोई नया शब्द बनाना, कोई नई आर्टिकल बनाना, इस तरीके से। ब्रॉथल, ब्रॉथल का मतलब होता है अ प्लेस वेयर प्रोस्टिट्यूट्स स्टे और लिव, एक ऐसा स्थान जहां पे प्रोस्टिट्यूट्स रहते हैं उसको हम लोग ब्रॉथल बोलते हैं। प्रोस्टिट्यूट किसको बोलते हैं, अ वूमन हु सेल्स हर बॉडी विलिंगली फॉर मनी, एक ऐसी महिला जो पैसे के लिए देह व्यापार करती है उसको हम लोग प्रोस्टिट्यूट बोलते हैं। तो इस तरीके से था डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, स्पॉट द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। ये जो क्वेश्चन है ये मिस स्पेल्ट के नाम से, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें इंग्लिश आता है, मिस स्पेल्ट के नाम से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें यहाँ पे तीन स्पेलिंग गलत है, एक स्पेलिंग सही है, वो हमें बतानी है। तो यहाँ पे एफिमिनेट, तो एफिमिनेट की करेक्ट स्पेलिंग होगी ई डबल एफ
EMINATE, डी ऑप्शन, बाकी सारे गलत हैं। एफिनिमिनेट का मीनिंग क्या होता है? अ पर्सन विथ फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर महिलाओं जैसे हाव भाव और हरकतें हैं, उसको हम लोग एफिमिनेट बोल सकते हैं। इसको आप रिलेट कर सकते हैं करण जौहर से, एक पॉपुलर फिल्म डायरेक्टर हैं, ठीक है, तो आपने उनको अक्सर देखा होगा कि उनके हाव भाव थोड़े वुमन जैसे हैं, तो उनको आप एफिमिनेट बोल सकते हैं। आगे चलते हैं, लायंस शेयर। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको अगर मैं कैटेगराइज करूं तो ये आपका ईडियम एंड फ्रेजेस टॉपिक से है, कहावत और मुहावरे। लायन का मतलब शेर, और लायन को अगर हम लिलोइट करें तो बहुत बड़ा होता है, बिग बोल सकते हैं, शेयर मतलब हिस्सा, तो बड़ा हिस्सा, इस तरीके से ये याद करने की इसको ट्रिक है। तो इस ईडियम का मीनिंग होता है ग्रेटर शेयर ऑफ अ थिंग, किसी भी चीज में बड़ा भाग, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, प्लूरल ऑफ लोफ इज, देखिए लोफ जो है टुकड़े को बोलते हैं, ब्रेड का टुकड़ा या रोटी का टुकड़ा, तो इसका अगर प्लूरल बनाएंगे तो देखिए एफ लेटर से अगर कोई खत्म होता है तो वी एस लगा के बनाते हैं तो लोव्स बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल, वुल्फ यानी कि भेड़िया, क्या बन जाता है? वुल्फ्स। आगे चलते हैं, सुपरलेटिव, ये जो टॉपिक है ये ग्रामर से है, ग्रामर में जब हम लोग एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ेंगे, जब आप मुझसे जुड़ जाएंगे तब एडजेक्टिव चैप्टर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें ये कॉन्सेप्ट्स आते हैं। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ इन, इन की सुपरलेटिव डिग्री क्या बनती है? इनर मोस्ट, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, चूज एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड्स। देखिए मैंने आपसे एक लास्ट वीडियो में सिनोनिम्स के बारे में डिस्कस किया था जो एनडीए एग्जाम से रिलेटेड थे, तो ये हर एग्जाम में आता ही आता है। सिनोनिम्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं समानार्थी, तो यहां पे हमें इस वर्ड का सेम मीनिंग वाला वर्ड बताना है। तो देखिए अपोलॉजी का मतलब होता है क्षमा याचना, माफी मांगना, तो अपील तो किसी से कोई चीज कहना, तो ये नहीं होगा। ह्यूमन साइंस मानव विज्ञान, ये नहीं होगा। पार्डन क्षमा, ये हो जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। रियलाइजेशन मतलब किसी चीज को महसूस करना। आगे चलते हैं, चूज एप्रोप्रिएट सिनोनिम, इसका भी हमें सिनोनिम बताना है। तो स्टेशनरी वर्ड का मीनिंग होता है जो चीज मूवमेंट नहीं कर रही है, जो चीज अपनी जगह फिक्स है, तो यहां पे फिक्स्ड बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। स्टार्टिंग शुरू का होना गलत है, डेड मरा हुआ गलत है, मूवेबल जो चीज चल रही है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। मूवेबल इसका एंटोनिम हो सकता है, रुका और अलग। आगे चलते हैं, चूज एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड्स। अब देखिए एंटोनिम हम लोग बोलते हैं किसको? अपोजिट वर्ड। हिंदी में जो विद्यार्थी देख रहे हैं उनको बता देता हूं, विलोम शब्द, तो हमें स्प्रेड का अपोजिट वर्ड बताना है। तो देखिए स्प्रेड का मतलब होता है कोई चीज का फैलना, तो अपोजिट क्या होगा? सिकुड़ना। एनलार्ज का भी मतलब फैलना ही होता है, तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया। कंडेंस का मतलब होता है किसी चीज का सिकुड़ना, तो यहां पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। वास्ट का मतलब जो चीज बहुत ज्यादा फैली हुई है, स्प्रेडेड बोल सकते हैं, तो ये इसका सिनोनिम ही है। मिनिमम मतलब कोई चीज कम, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, इमेंस, इमेंस का भी आपको एंटोनिम ही बताना है। तो इमेंस का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत बड़ी है, बिग, यूज, यू कैन से मेमोथ, यू कैन से जाइजेंटिक, इन सब का आप नोट डाउन करते रहिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे इमेंस के सिनोनिम्स है दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना था एंटोनिम। तो इमेंस का मतलब कोई चीज जो बहुत बड़ी है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, जो बड़ी चीज होती है उसको इमेंस बोलते हैं, तो छोटी क्या हो जाएगी? टाइनी, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। इमर्ज का मतलब कोई चीज का ओरिजिनेट होना, निकल के बाहर आना। इंसर्ट का मतलब किसी चीज को अंदर डालना, टू पुट इनसाइड, ठीक है, जैसे आप मोबाइल में हेडफोन लगाते हैं तो इंसर्ट किया आपने। लीगल का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के अनुसार।
ठीक है, तो यहाँ पे इमेंस का आंसर बनेगा टाइनी। एंटोनिम, आगे चलते हैं। टाइनी का मतलब होता है छोटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नरेशन, ठीक है, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था टॉपिक, तो नरेशन और वॉइस से क्वेश्चन आते हैं, तो ये नरेशन का क्वेश्चन समझते हैं। राजू सेड टू मी यू आर अ बैड बॉय, राजू ने मुझसे कहा कि आप एक गंदे लड़के हैं, बुरे लड़के हैं। जब भी हम लोग नरेशन में जाते हैं तो सेड टू हमारा चेंज होता है टोल्ड में। जब मैं आपको डिटेल में ग्रामर के टॉपिक्स पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। जब भी हम लोग नरेशन को चेंज करते हैं, नरेशन का एक और नाम जो लोगों को पता है वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, तो ये वही है, टेंथ क्लास में हम लोग पढ़ते थे। तो सेड टू चेंज होता है टोल्ड में, तो राजू सेड टू मी यू आर ए बैड बॉय। और इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है सन, एस ओ एन नाम से, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज। तो यहाँ पे जो यू है ये ग्रामर में सेकंड पर्सन के तौर पे जाना जाता है, तो जब भी इसको हम लोग चेंज करते हैं नरेशन में तो सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ, ही शी इट जो है इनको हम लोग ग्रामर में थर्ड पर्सन में कैटेगराइज करते हैं। किसी का नाम, ठीक, तो नाम तो नो चेंज में होता है, साथ ही साथ थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहाँ पे यू सेकंड पर्सन है, इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो मी जो है ये तो ऑब्जेक्टिव पार्ट है, इसका सब्जेक्टिव पार्ट क्या बन जाएगा, आई। तो यहाँ पे बनेगा राजू टोल्ड मी दैट, दैट क्या होता है, कंजंक्शन। तो जब भी हम लोग नरेशन सीखते हैं तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमेशा कंजंक्शन यूज करते हैं दैट। तो राजू टोल्ड मी दैट, मी का सब्जेक्टिव पार्ट क्या होगा, आई, ही तो नहीं होगा, तो ए और बी पिक्चर से चले गए, आई। आर जो है एक प्रेजेंट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब है, तो नरेशन में प्रेजेंट सिंपल चेंजेस टू पास्ट सिंपल, तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट सिंपल का, तो वो पास्ट सिंपल में जाके किस में चेंज होगा, वॉज और वर में। तो राजू टोल्ड मी दैट आई वॉज अ बैड बॉय। देखिए बैड में कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बैड एक एडजेक्टिव है, बॉय एक नाउन है, तो इनमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं नरेशन में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज माई करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, ये भी नरेशन का क्वेश्चन है। ही सेड टू मी ही मे नॉट कम टुमारो। तो देखिए सेड टू अभी आपको सिखा दिया, सेड टू किस में चेंज होता है टोल्ड में, तो टोल्ड आ गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के क्या आता है दैट, तो दैट आ गया, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ये एज इट इज आ गया। अब मे जो है ये एक मॉडल है, तो मे जो है मॉडल, जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो मे किस में चेंज होता है, माइट में, तो ए तो हमारा गलत हो गया। बी और सी में देखते हैं, माइट नॉट कम, और जब हम लोग नरेशन पढ़ते हैं तो हम लोग एक चीज ये भी सीखते हैं कि टुमारो जो है ये किस में चेंज होता है, नेक्स्ट डे में चेंज होता है, किस में चेंज होता है, नेक्स्ट डे में, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आगे चलते हैं, चूज द पैसिव फॉर्म फॉर द गिवन एक्टिव वन। एक्टिव पैसिव एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का, उसी का एक सवाल है। पैसिव से हमें जाना है किससे, एक्टिव में। तो देखिए आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी हम लोग वॉइस के क्वेश्चंस करते हैं तो डायरेक्शन ज़रूर पढ़ना है कि एक्टिव से पैसिव में जाना है कि पैसिव से एक्टिव में। तो द बॉय टीज्ड द डॉग, तो ये हमको एक्टिव वॉइस में दे रखा है। टीज्ड जो है ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म, मतलब ये कौन से टेंस का वाक्य है, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल को जब हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म, इसमें चेंज करते हैं। तो देखिए वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ पे है, अब वर आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, वॉज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो यहाँ पे द बॉय सब्जेक्ट था, टीज्ड वर्ब था और डॉग ऑब्जेक्ट था, तो पैसिव में ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ वॉइस, ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। तो डॉग यहाँ जो ऑब्जेक्ट है यहाँ क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म था तो वॉज आ जाएगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट होता तो वर आता, टीज्ड थर्ड फॉर्म ही है तो थर्ड फॉर्म लग गई, और बाई के साथ हम लोग वॉइस में बाई के साथ हम लोग सब्जेक्ट को कनेक्ट कर देते हैं, तो बाई के साथ हमने द बॉय जो सब्जेक्ट था उसको कनेक्ट कर दिया, और इस तरीके से बी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। आगे चलते हैं, सर्कमस्टेंसेस विल ऑब्लाइज मी टू गो, अगेन वॉइस का क्वेश्चन है, तो सर्कमस्टेंसेस बोलते हैं परिस्थितियों को,
सर्कमस्टेंसेस किसको बोलते हैं? परिस्थितियों को बोलते हैं। तो सेंटेंस का मतलब ये कि परिस्थितियों ने मुझे विवश कर दिया कि मैं जाऊं। तो इसको किस तरीके से चेंज करेंगे, देखिए, सर्कमस्टेंसेस सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब ऑब्लाइज मेन वर्ब मी ऑब्जेक्ट और टू गो इन्फिनिटिव वर्ब। तो मी सब्जेक्ट बनेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट बनता है सब्जेक्ट, तो दे तो बनेगा नहीं, तो ये गलत हो गया, सर्कमस्टेंसेस गलत हो गया, नन ऑफ दीज तो हो नहीं सकता। मी का सब्जेक्टिव पार्ट क्या होगा? आई। विल शैल आपस में चेंज होते हैं, विल शैल में, शैल विल में, तो यहाँ पे विल किस में चेंज हो जाएगा? शैल। पैसिव में जब जाते हैं तो इन्फिनिटिव फॉर्म को जब चेंज करते हैं तो बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो बी ऑब्लाइज्ड और इन्फिनिटिव वर्ब एज इट इज, तो आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू गो, ये हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। इसको स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। आगे चलते हैं। रिमूव टू फ्रॉम दी फॉलोइंग। देखिए टू जो है ये एक एडवर्ब की तरह काम करता है, और ये कैसा मीनिंग कन्वे करता है? नेगेटिव मीनिंग। जब मैं आपको ग्रामर में एडवर्ब पढ़ाऊंगा तो डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। तो टू जो है एडवर्ब देता है नेगेटिव मीनिंग, और एक ग्रामर में पॉपुलर स्ट्रक्चर है इसका टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं किससे? सो दैट से। किससे रिप्लेस कर सकते हैं? सो दैट से। तो देखिए यहाँ पे वो स्ट्रक्चर था टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इट इज सो हॉट दैट इट कैन नॉट बी हैंडल्ड, ठीक है। तो इट इज टू हॉट टू बी हैंडल्ड, आपको बताया नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है, तो इसका मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो नेवी एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, कि जब आपको वो सेंटेंस चेंज करने के लिए बोलता है या वर्ड चेंज करने के लिए बोलता है तो आप सेंटेंस के मीनिंग को हैम्पर नहीं कर सकते, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो इट इज सो हॉट दैट इट कैन नॉट बी हैंडल्ड, तो नेगेटिव मीनिंग आया कि इतनी गर्मी थी वहां पे कि उसको हैंडल नहीं किया जा सकता था। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। हाउस इज डिस्ट्रॉयड डैश फायर, जो मकान था वो आग के द्वारा नष्ट हुआ, तो यहां पे पैसिव फॉर्म में जाएगा, बाई फायर लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऑफ रिलेशन स्टेब्लिश करता है तो आ नहीं सकता। एट आता है प्लेस के लिए, तो यहां पे प्लेस की बात नहीं हो रही। इन आता है किसी भी कवर्ड फॉर्म में, तो ये गलत हो गया, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। द वर्क इज डन डैश हेस्ट, जिन लोगों को हेस्ट का मीनिंग नहीं पता वो बता देता हूं, जल्दीबाजी बोलते हैं, तो जल्दबाजी में या एक हरीड वे में काम किया गया, तो द वर्क इज डन इन हेस्ट, ये फ्रेज बनता है इन हेस्ट, जल्दी में, तो यहां पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। एट अभी आपको बताया था प्लेस के लिए आता है, ये नहीं होगा। ऑन आता है किसी भी चीज की अपर डायरेक्शन के लिए, तो ये नहीं होगा। बाई आता है किसी को पैसिव फॉर्म में जोड़ने के लिए, तो ये नहीं होगा। आगे चलते हैं। द स्टीम इंजन वॉज डैश बाई जेम्स वॉट, स्टीम इंजन जो था वो जेम्स वॉट के द्वारा क्या किया गया? एक्वायर मतलब प्राप्त करना, टू अटेन, हिंदी मीडियम के लिए बता देता हूं, प्राप्त करना, तो ये नहीं होगा। प्रिपेयर मतलब तैयारी करना, तो ये नहीं होगा। डिस्कवर मतलब खोजना और इन्वेंट। अब 90% स्टूडेंट्स यहीं पे कंफ्यूज होंगे कि इन्वेंटेड करें कि डिस्कवर्ड करें। तो देखिए डिस्कवर तो होता है कि भाई आप अनप्लैंड तरीके से कुछ कर रहे हैं और आपको उस चीज का पता लग गया, जैसे कोलंबस ने जैसे अमेरिका की क्या करी थी, खोज करी थी, तो वो डिस्कवरी करी थी उसने, इन्वेंशन नहीं किया था। तो जब भी हम लोग ये इक्विपमेंट्स बनाते हैं या साइंटिफिक तौर पे किसी चीज़ की बात करते हैं तो वहाँ इन्वेंशन को प्रायोरिटी दी जाती है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे चलिए। दिल्ली हैज बिकम वेरी डैश सो आई एम गोइंग टू शिमला। देखिए ये थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, अगर आप, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि न्यूज़पेपर क्यों इंपॉर्टेंट है, एक न्यूज़पेपर का भी वीडियो मैंने आपके लिए बना के डाला है। न्यूज़पेपर से ये चीज़ें हम सीखते हैं, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, यहाँ पे ना ग्रामर की जरूरत है ना वोकैब की जरूरत है। दिल्ली जो है बोला है कि इतना ज्यादा हो गया है कि मुझे शिमला जाना पड़ा, तो शिमला में क्या है, ठंड होती है, तो दिल्ली में गर्मी होगी तभी शिमला जाने की कोशिश करेगा, तो दिल्ली हैज बिकम वेरी हॉट, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, सेकेंड्स में आंसर आ गया। कोल्ड का मतलब ठंडा, प्लेजेंट का मतलब सुहावना, और नॉर्मल का मतलब साधारण। आगे चलते हैं। ही सफरिंग डैश हेडेक ऑफ फ्रॉम एट बाई,
वह ग्रसित है, हेडेक मतलब सरदर्द। यहां पे एक चीज बताता हूं, एक वर्ड जो है इसका मतलब होता है पेन, पीड़ा, तो सर का दर्द, इस तरीके से ये वर्ड बना है। तो देखिए ये फिक्स प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, सफर अपने साथ क्या लेता है, फ्रॉम, ये इंग्लिश वाला सफर है, हिंदी वाला सफर नहीं है, हिंदी वाले सफर का मतलब तो यात्रा हो जाता है, यहां पे सफर का मतलब होता है पीड़ा भोगना। तो ही सफर, तो सफर एक फिक्स प्रेपोजिशन वाला वर्ब है, तो इसके साथ फ्रॉम लगता है, तो ही सफरिंग फ्रॉम हेडेक। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आते हैं नेवी एसएसआर में। तो ही राइट्स लेटर, वो पत्र लिखता है पेन के साथ। तो देखिए यहां पे थ्रू के द्वारा, पेन के द्वारा, तो ये तो हो नहीं सकता, एट आता है प्लेस के लिए, ये चला गया। अब 90% स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि बाई पेन की विथ पेन, बाई पेन की विथ पेन। तो देखिए यहां पेन के अकॉर्डिंग नहीं लगेगा, प्रेपोजिशन लगता है वर्ब के अकॉर्डिंग, तो राइट के साथ आता है राइट विथ, तो यहां से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। तो ये 25 क्वेश्चन थे नेवी एसएसआर के। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतने पेशेंस के साथ सुना। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाइए। मिलते हैं अगली बार, थैंक यू।